So student, as you know, your unit test going to start very soon and for that we have already started revision. और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, हमारा revision start कर दिया है. So in this we move ahead and revise our 9 chapters exercises. अब इसमें हम क्या करेंगे, आज हमारे 9 चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेज है उनको रिवाइज करेंगे. इन अवर लास्ट क्लास वी ऑलरेडी रेड दिस चैप्टर. हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लास में इस चैप्टर को ऑलरेडी रेड कर लिया था और आज हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे. सो लेट स्टार्ट. सो अब फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मीन्स MCQ टाइप क्वेश्चन. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको यहाँ से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ द हॉली बुक ऑफ हिंदूज. हिंदूज की, यह हिंदूज की हॉली बुक है. ए कुरान, बी बाइबल, सी भागवत गीता एंड डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं. तो हिंदूज की हॉली बुक कौन सी है. कल हमने जब चैप्टर रीड किया था तब इसमें पढ़ा था द हॉली बुक ऑफ हिंदूज इज भागवत गीता. भागवत गीता इज द हॉली बुक ऑफ हिंदूज. सेकंड क्वेश्चन इज, कुरान इज द हॉली बुक ऑफ, कुरान जो है किसकी हॉली बुक है. द कुरान इज द हॉली बुक ऑफ हिंदूज, सिख, जैन एंड मुस्लिम. सो कुरान किसकी हॉली बुक है. कुरान इज द हॉली बुक ऑफ मुस्लिम्स. किसकी हॉली बुक है, मुस्लिम्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसाइट्स द गुरुबाणी. इनमें से कौन है जो गुरुबाणी का पाठ करता है. ग्रंथी, सिंगर, गुरुज एंड ऑल ऑफ दीज, या ये सभी. तो इनमें से गुरुबाणी का पाठ कौन करता है. हु रिसाइट्स द गुरुबाणी. ग्रंथी, ग्रंथी जो है वो गुरुबाणी का पाठ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग. इनमें से कौन सा पेयर यानी जोड़ा जो है वो गलत है. रामायण हिंदू, गुरु ग्रंथ साहिब सिख, जैन मॉस्को, क्रिश्चियन चर्च. इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है. जैन एंड मॉस्को. जैन जो है प्रेयर के लिए कहाँ जाते हैं. जैन गो टू स्तूपा फॉर प्रेयर. प्रेयर के लिए कहाँ जाते हैं, स्तूप में जाते हैं. इसलिए ये जो जोड़ी है वो गलत है, जैन एंड मॉस्को वाली. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द गिवन पिक्चर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज शो इन द गिवन पिक्चर. यहाँ बता देखिए पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, क्या बताया गया है. टेम्पल, स्तूपा, गुरुद्वारा एंड चर्च. टेम्पल, स्तूप, गुरुद्वारा एंड चर्च. क्या है यहाँ पे, इट इज़ ए स्तूप. सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्तूप. क्या है बताया गया है, स्तूप बताया गया है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर्स देने हैं. सो हु ऑफर नमाज फॉर 5 times. कौन है जो 5 times तक नमाज अदा करता है, दिन में 5 times जो है नमाज पढ़ता है. सो मुस्लिम्स. कौन है, क्या है यहाँ पे आंसर, मुस्लिम. मुस्लिम ऑफर्स नमाज फॉर 5 times. नेक्स्ट, हु गोज टू टेम्पल. टेम्पल कौन जाता है, मंदिर कौन जाता है, हिंदूज. हिंदूज गोज टू टेम्पल. नेक्स्ट, वेन डू क्रिश्चियंस ऑफर देयर सर्विस. क्रिश्चियंस जो है अपनी सर्विस कब देते हैं, या कब वो प्रेयर के लिए वो प्रेयर कब करते हैं. क्रिश्चियन ऑफर देयर सर्विस ऑन संडे. संडे के दिन जो क्रिश्चियंस हैं वो अपनी सर्विस करते हैं, यानी वो चर्च में जाके प्रेयर करते हैं. नेक्स्ट, हु रिसाइट द गुरुबाणी. हु रिसाइट द गुरुबाणी, ग्रंथी. ग्रंथी रिसाइट द गुरुबाणी. ग्रंथी रिसाइट्स द गुरुबाणी. हु रिसाइट्स द गुरुबाणी, ग्रंथी रिसाइट्स द गुरुबाणी. विच ऑफ द फॉलो
विच इज द हॉली प्लेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट? जैन एंड बुद्धिस्ट के हॉली प्लेस को क्या कहते हैं? स्तूपा. क्या कहते हैं? स्तूप. क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं. स्तूप इज द हॉली प्लेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट. सो दीज आर क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. नाउ एक बार और इसे पढ़ते हैं हम लोग. हु ऑफर नमाज फॉर 5 times? दिन में 5 बार नमाज कौन पढ़ता है? मुस्लिम्स. मुस्लिम ऑफर नमाज फॉर 5 times. मुस्लिम ऑफर नमाज फॉर 5 times. नेक्स्ट, हु गोज टू टेम्पल? टेम्पल कौन जाता है? मंदिर कौन जाता है? हिंदूज. हिंदूज गोज टू टेम्पल. हु गोज टू टेम्पल? Hindus goes to temple. When do Christian offer their service? Christian जो है अपनी service कब करते हैं, कब अदा करते हैं, यानी वो prayer कब करते हैं? On Sunday. Christians offer their service on Sunday. Christian offer their service on Sunday. Who recites the Gurubani? Gurubani का पाठ कौन करता है, कौन पढ़ता है Gurubani? Granthi. Granthi recites the Gurubani. Granthi recites the Gurubani. Which is the holy place of Jain and Buddhist? Jain and Buddhist के holy place कौन सा है? उनके holy place को क्या कहते हैं? Stupa. Stoop. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्तूप बोलते हैं. तो स्तूप इज द हॉली प्लेसेस ऑफ, हॉली प्लेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट. ये जैन एंड बुद्धिस्ट का हॉली प्लेस है, यानी इनकी पूजा की जगह है. नाउ इज मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी. कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है. सो नमाज मॉस्क्यू. नमाज कहाँ ऑफर की जाती है? मॉस्क्यू में. Bible, holy book of Christian. Bible is the holy book of Christian. Temple, temple कौन जाता है? Hindus. Hindus goes to temple. Hindus goes to temple. Then Lord Rama. Who is Lord Rama? A famous Hindu deity. And the Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib कहाँ पे होती है? Guru Granth Sahib गुरुद्वारा में होती है. And Buddhist, Buddhist के holy place को क्या कहते हैं? Stupa. Buddhist goes to stoop. बुद्धिस्ट कहाँ जाते हैं? स्तूप में जाते हैं फॉर प्रेयर, प्रेयर करने के लिए. तो इस तरह से आप लोगों को ये मैच द फॉलोइंग वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. यहाँ बॉक्स में आपको वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से आपको ये फिल करना है. तो हमारे तो ऑलरेडी फिल किया हुआ है, हमें इसे रिवाइज करना है. सो फर्स्ट इज The dash go to temple for prayer. Temple में कौन जाता है prayer के लिए? Hindus. The Hindus go to temple for prayer. Prayer के लिए temple कौन जाता है? Hindus. Next, we thank dash for everything we have. जो भी हमारे पास है उसके लिए हमें किसे thank you कहना चाहिए? गॉड को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को हमें इसके लिए थैंक यू कहना चाहिए. वी थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग वी हैव. नेक्स्ट, मुस्लिम ऑफर नमाज इन मॉस्क्यू. कौन पर मुस्लिम क्या करते हैं, क्या अदा करते हैं मॉस्क्यू में? नमाज. मुस्लिम ऑफर नमाज इन मॉस्क्यू. Dash is the holy book of Hindus. Hindus की holy book का नाम क्या है? Ramayana. The Ramayana is the holy book of Hindus. And Quran is the holy book of Muslims. Quran किसकी holy book है? Muslims की. तो Quran is the holy book of Muslims. And we pray to God for
हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटीज। हमें गॉड से किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए? हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटीज़ के लिए। किसके लिए? हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटीज़ के लिए हमें गॉड से प्रे करना चाहिए। वी प्रे टू गॉड फॉर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटीज़। सो स्टूडेंट, ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक ऑफ चैप्टर 9 के फिल इन द ब्लैंक एंड क्वेश्चन आंसर्स, जिन्हें हमने आज की क्लास में रिवाइज किया है। तो आप लोग इसको और पढ़िएगा, अच्छे से इसे समझ के लर्न कीजिएगा और अपने यूनिट टेस्ट में अच्छे से इन्हें सॉल्व कीजिएगा और अच्छे अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिले, ये आपके लिए मेरी विशेज़ हैं। आप पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।